Hello everyone, this is Preeti Yadav. So today I'm going to explain you chapter number 7 of Hindi grammar of class 5. The chapter name is Vishesh in English adjective. So everyone, this chapter you have read many times. So now we will start this. See, आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, यह फूल सुंदर है. तो means वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं. यानी वे शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को क्वालिफाई करते हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं. आसमान में कैसी पतंग उड़ रही है? लाल. फूल कैसा है? सुंदर. तो ये किसकी विशेषता है? पतंग और फूल की. तो ये हमारे क्या है? विशेषण. ऊपर लिखे वाक्यों में लाल और सुंदर शब्द पतंग तथा फूल की विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण हैं. जो शब्द या संज्ञा की रंग रूप गुण दशा अवस्था आकार प्रकार सभी विशेषताओं को बताते हैं ये विशेषण कहलाते हैं. विशेषण के कितने अंग होते हैं? विशेषण के दो अंग होते हैं, विशेष एंड विशेषण. सो आई विल टेल यू अबाउट विशेष्य. विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं. जैसे मोटी लड़की कौन है? यहाँ पे मोटी कौन है? विशेषण. और मोटा है कौन? लड़की. तो ये कौन है? विशेष्य. मोटा होना विशेषण, और जो जिसकी विशेषता है ये, वो है विशेष्य. रंग बिरंगे गुब्बारे. कैसे गुब्बारे? रंग बिरंगे. इट इज विशेषण. गुब्बारे कैसे है? गुब्बारे रंग बिरंगा कौन है? गुब्बारे. इट इज विशेष्य. तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो विशेषता है वो विशेषण. सो एवरीवन मीन्स विशेषण. विशेष संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. जैसे सुंदर पुष्पों की छटा मन को मोह लेती है, और गाय का सुंदर बछड़ा कुलाचे मार रहा है. तो यहाँ विशेष और विशेषण दोनों की बात कही गई है. तो नाउ वी विल रीड अबाउट विशेषण के चार अभेद होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव? 4. सी एवरीवन, द टाइप्स ऑफ विशेषण मीन्स एडजेक्टिव. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू गुणवाचक विशेषण. व्हाट इज गुणवाचक विशेषण? जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष रंग आकार व आकार अवस्था के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे यह सेब बहुत मीठा है, मेरी कलम नीले रंग की है. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्वालिटी को प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं उनकी क्वालिटी को, वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है. जैसे यह सेब कैसा है? बहुत मीठा है. मेरी कलम कैसी है? नीले रंग की है. तो दीज आर कॉल्ड गुणवाचक विशेषण. सो एवरीवन नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. ऊपर लिखे वाक्यों में मीठा और नीला शब्द सेब तथा कलम के गुण रंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है. दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. आप कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण के शब्द देखें. गुण दोष रंग आकार अवस्था. तो ये इसके कुछ शब्द हैं. अवस्था बलवान है, अमीर है, बूढ़ा है, पतला है, मोटा है आदि. रंग पीला काला. तो मीन्स ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं. सो नाउ एवरीवन कम संख्यावाचक विशेषण. जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे थाली में दो बैंगन रखे हैं, पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं. यानी जो विशेषण शब्द हमें उसकी संख्या के बारे में अवगत करा रहे हैं वो हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. ऊपर लिखे वाक्यों में दो और कुछ शब्द बैंगन तथा तोते की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं. अब संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं. हाउ मेनी? 2. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक एडजेक्टिव. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल निश्चित संख्यावाचक मीन्स निश्चित तौर पर संख्या बताने वाला विशेषण. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे मेरे पास 5 पुस्तकें हैं.
दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक निश्चित संख्या का वर्णन किया है, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। अब सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में ना बताते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आकाश में कई पतंग उड़ रही हैं, तो कितनी पतंग उड़ रही हैं? कुछ पता नहीं है, मतलब कई उड़ रही हैं। आज प्रार्थना सभा में कुछ ही बच्चे आए, तो मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं पता है कितने बच्चे आए। तो मीन जहां पर हमें निश्चित संख्या का बोध ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक है, और जो निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित और अनिश्चित। सो एवरीवन, नाउ आई विल टेल यू परिमाणवाचक विशेषण। सी परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, नाप, वजन आदि के बारे में बताएं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी यहाँ पर नाप तोल की चीज आ गई, जो नाप तोल उसका वजन और मात्रा यानी क्वांटिटी बताते हैं वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सी 2 किलो गोभी दे दो, कितनी गोभी? 2 किलो। 4 मीटर कपड़ा काटो, कितना कपड़ा? 4 मीटर। तो यहाँ पर एक नापतोल वजन मात्रा का वर्णन हो गया है, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ भी निश्चित वजन मात्रा और माप के बारे में पता चले वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। सो सी नाउ आई विल टेल यू दीज आर द ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक। सी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित माप तोल के बारे में बताने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर तेल दे दीजिए, 5 किलो चीनी दे दीजिए, तो क्या है यहाँ पर निश्चित संख्या बताई जा रही है, तो ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण है। सो नाउ आई विल टेल यू अनिश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा और सर्वनाम के अनिश्चित माप तोल के बारे में बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑल्सो यू कैन बी आइडेंटिफाइड एवरीवन। जैसे बहुत सी लीची नीचे गिरी हुई है, हाउ मेनी लीचीज? अब पता नहीं कितनी है, बहुत सी हैं, तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, कोई निश्चित है ही नहीं है। थोड़ा घी दे दीजिए, अब थोड़ा मतलब कितना? तो यहाँ एक निश्चित मात्रा नहीं बताई जा रही है, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नाउ सी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पॉइंट आउट, डेमोन्स्ट्रेटिव, मीन संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आता है, वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह पुस्तक मेरी है, ये संज्ञा के आगे आ रहा है वह पुस्तक, तो ये क्या है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यह फूल सुंदर है, कौन सा फूल? यह फूल, तो ये हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा के आगे आकर उसको पॉइंट आउट करते हैं वो हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो एवरीवन, नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन कन्वर्ट इट टू संज्ञा टू विशेषण। सुख संज्ञा सुखी, धन धनी, नमक नमकीन, रंग रंगीन, दिन दैनिक, ईश्वर ईश्वरीय, लालच लालची, ओके, यह ऐसा, तुम तुम्हारा, मैं मेरा। तो मीन्स दीज वर्ड्स आर मीन्स संज्ञा टू विशेषण एंड दीज आर सर्वनाम टू विशेषण। जो वैस जैसा, वह वैसा, कौन कैसा, ओके। एंड नाउ आई विल टेल यू क्रिया टू विशेषण। क्रिया से आप विशेषण कैसे बना सकते हैं? देखना दिखावटी, पढ़ना पढ़ाकू, बनाना बनावटी, लड़ना लड़ाकू, टिकना टिकाऊ, पीना पियक्कड़। सो दीज वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू एवरीवन फ्रॉम द संज्ञा टू विशेषण, सर्वनाम टू विशेषण एंड क्रिया टू विशेषण। सो नाउ लेट्स रिवाइज दिस फुल चैप्टर अगेन। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
एंड परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों में कुछ शब्द शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। दिस दैट आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू एवरीवन, उसमें कुछ शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। सो एवरीवन, आई थॉट दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।